सो हे गाइस, अभी हम लोग जस्ट चेक इन किए हुए हैं आनंद विहार टर्मिनल के रिटायरिंग रूम में। ये रिटायरिंग रूम बहुत ही मतलब बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बेटर है। मैं आपको इसकी प्राइस रेंज और सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। मैं आपको रूम टूर सबसे पहले दे देता हूँ, इसमें मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो आइए सबसे पहले रूम टूर की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा रूम 231, देख सकते हैं ये लॉबी है। इससे यहाँ पे एंटर करेंगे रूम के अंदर देखने को मिलेगा जिस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट यूज होता है रूम का। यहाँ पे कुछ लगेज रखने और वार्डरोब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अलमीरा आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। अलमीरा ओपन करते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये एक टेबल दी जाएगी आपको। दो बेड डबल रूम बुक करेंगे तो दो बेड आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे चेयर, दो चेयर, तीन चेयर मिली हुई हैं और एक बड़ा सा मिरर देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ इसमें कि सबसे पहले दोस्तों बता दूँ ये एक एसी रूम है, आपको एसी की भी व्यवस्था यहाँ पे दी जाएगी। और दोस्तों बात करें इसमें कि बाथरूम की तो देख सकते हैं मिरर क्लीन नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें ओके हैं। सफाई का थोड़ा सा मिरर पे ध्यान देना होगा इन लोगों को, बाकी सभी ओके हैं। ये बेड देखने में आ गया था। और दोस्तों यहाँ पे आपको बालकनी का भी ऑप्शन दिया गया है, इसे वहाँ ऊपर से देख सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा आनंद विहार टर्मिनल के बाहर का व्यू देखने को मिलता है। थोड़ा सा आवाज़ नहीं जा रही होगी क्योंकि एग्जॉस्ट लगे हुए। तो दोस्तों ये था हमारा रूम, आइए आप बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। दोस्तों ये रूम हमें अभी पड़ा है 404 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, इसमें 4 रुपये जो कि सर्विस फ़ी लगी थी वो हमें पड़ा 404 रुपये का टोटल IRCTC से। जो दोस्तों इसमें आपको PNR से ही ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद ही आपको ये रूम यहाँ से मिलता है। रूम कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको टिकट जो निरीक्षक होते हैं TTE उनके पास जाना होगा। वहाँ पर जाके आप सभी को वो एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आपको आना होगा यहाँ पे, जो अटेंडेंट होंगे वो आपको एंट्री करा के वापस से यहाँ पर आपको रूम दे देंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको IRCTC की वेबसाइट या उसके एप्लीकेशन से आपको रिटायरिंग रूम के ऑप्शन में जाके बुक कर लेना होता है। दोस्तों इसमें इस 12 घंटे का ये चार्ज जो मैंने बताया अभी 400 रुपये है, और 24 घंटे का चार्ज आप सभी को कम लगभग 800 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही सस्ते दाम में अच्छे रूम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं। बढ़िया है, ओके रूम है, रहने लायक है। तो दोस्तों अगर आप एक दिन की जर्नी या दो दिन की जर्नी कर रहे हैं तो आप ये रूम आसानी से बुक कर सकते हैं IRCTC की वेबसाइट से। दोस्तों ये थी आज की हमारी एक वीडियो, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी और नई रेलवे से जुड़ी जानकारी में, तब तक के लिए बाय।